हेलो गाइस, वेलकम टू टेक बस। तो आज मैं कंपेयर कर रहा हूँ गूगल पिक्सल 7a और आईफोन 13 का। पिक्सल 7a की प्राइस है 44,000 और आईफोन 13 सेल वगैरह में 46-47,000 तक मिल जाता है। तो दोनों ही काफ़ी क्लोज कंपटीटर्स है। तो आज मैं दोनों का एक इनडेप्थ कंपैरिजन करूँगा, बात करूँगा दोनों के डिज़ाइन, कैमरा फीचर्स एंड गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, और आपको बताऊँगा ओवरऑल कौन सा फ़ोन लेना बेटर होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन आ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करेंगे तो पिक्सल 7a में शाइनी प्लास्टिक बैग दिया गया है जो लुक में ग्लास जैसा दिखता है, और इसका हॉरिजॉन्टल ब्रश मेटालिक फिनिश कैमरा मॉड्यूल काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, बस इस पर स्क्रैचेस इजीली आ जाते हैं। आईफोन 13 में प्लेन शाइनी फिनिश ग्लास दिया गया है और इसका कैमरा मॉड्यूल काफ़ी सिंपल है, और इस पर बैक पैनल पर काफ़ी फिंगरप्रिंट्स मजे जाते हैं। दोनों में ड्यूल कैमरा सेटअप है। पिक्सल में कर्व्ड मैट फिनिश एल्युमिनियम फ्रेम है और आईफोन में फ्लैट मैट फिनिश एल्युमिनियम फ्रेम। दोनों में ड्यूल 5G सिम और स्टीरियो स्पीकर्स है। पिक्सल में कर्व फ्रेम है लेकिन कॉर्नर्स काफ़ी शार्प है जिसकी वजह से पकड़ने में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, और ग्रिप सिर्फ डिसेंट है। आईफोन में फ्लैट फ्रेम है बट एजेस इतने शार्प नहीं है, और कॉम्पैक्ट साइज की वजह से हाथ में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है और ग्रिप भी बेटर है। आईफोन में सिरेमिक शील्ड ग्लास और पिक्सल में गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन है। आईफोन IP68 और पिक्सल IP67 सर्टिफाइड डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है, तो आईफोन वाटर रेसिस्टेंस में थोड़ा बेटर है। पिक्सल में पंचोल सेल्फी कैमरा दिया है और आईफोन में बड़े से नॉच पर सेल्फी कैमरा और फेस आईडी के 3D सेंसर्स है। आईफोन में चारों कॉर्नर्स में यूनिफॉर्म और कम बेजल है पिक्सल के कंपैरिजन में, जिसमें टॉप और साइड बेजल तो आईफोन से ज़्यादा है और चिन वाला तो काफ़ी मोटा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो पिक्सल क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड 13 पर है और आईफोन iOS 16.4.1 पर। पिक्सल में 3 मेजर अपडेट्स और 5 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे, जबकि आईफोन के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से 5 मेजर अपडेट्स और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट्स आएंगे। UI वैसे तो दोनों के मोस्ट ऑफ द टाइम स्मूथ रहते हैं, कोई लैग वगैरह नहीं मिलता। दोनों अपने चिप्स के हिसाब से काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। दोनों में मोस्टली सभी इंडियन और ग्लोबल 5G बैंड्स का सपोर्ट है, तो नेटवर्क दोनों में अच्छा मिलेगा। थैंकफुली दोनों फोन्स में कोई भी फालतू के ब्लॉटर ऐप्स या एड्स का इशू नहीं आता, बस कंपनी के ऐप्स ही आते हैं दोनों में। आईफोन में कस्टमाइजेशन के लिए लॉक स्क्रीन पर मल्टीपल वॉलपेपर सेट करने का ऑप्शन है और काफ़ी इंटरेक्टिव वॉलपेपर्स दिए गए हैं, और लॉक स्क्रीन पर आप काफ़ी विजेट्स ऐड कर सकते हैं। पिक्सल में कस्टमाइजेशन के लिए कुछ विजेट्स और वॉलपेपर्स है, और कलर पैलेट फॉर UI वाला ऑप्शन दिया है UI और आइकॉन्स का कलर चेंज करने के लिए। अब स्पीड टेस्ट करते हैं इनका। दोनों में से बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। पिक्सल में दिया है गूगल टेंसर G2 चिपसेट और आईफोन में दिया है एप्पल A15 बायोनिक, और दोनों ही फ्लैगशिप लेवल के चिप्स हैं। दोनों के डिटेल स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो Antutu रन हो रहा है और हमने वीडियो का स्पीड इंक्रीज कर दिया है। वैसे तो आईफोन ने टेस्ट पहले कंप्लीट किया, बट टेस्ट पिक्सल ने जीता है थोड़ा ज़्यादा स्कोर करके। बड़े से परफॉर्मेंस में कितना फ़र्क पड़ता है वो तो आगे पता चल जाएगा। तो दोनों फोन्स सेम वाईफाई पर कनेक्टेड है और सभी बैकग्राउंड ऐप को क्लियर कर दिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया या BGMI। दोनों फोन्स स्मूथ से लेकर HDR तक एक्सट्रीम FPS और अल्ट्रा HD पर अल्ट्रा FPS सपोर्ट करते हैं। पिक्सल में 90Hz का डिस्प्ले होने के बाद भी 90fps का ऑप्शन नहीं है, और आईफोन में भी 90fps नहीं मिलता। तो BGMI पहले आईफोन में ओपन हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एसफाल्ट 9। पिक्सल में 8GB रैम है और आईफोन में 4GB। पिक्सल सिर्फ 128GB में ही अवेलेबल है और आईफोन 128, 256 और 512GB में। एसफाल्ट 9 भी पहले खुला है आईफोन में, तो अब स्कोर है आईफोन का 2 और पिक्सल का 0। नेक्स्ट ओपन करेंगे बीच बगी रेसिंग 2। थर्मल्स की बात करेंगे तो दोनों में हीटिंग है, बट पिक्सल में कंपैरेटिवली ज़्यादा हीटिंग इशू है गेमिंग और कैमरा यूज़ करने में। ये गेम भी आईफोन में पहले ओपन हुआ है। नेक्स्ट चालू करेंगे सबवे सर्फर। पिक्सल में 4300mAh की और आईफोन में 30-27mAh की बैटरी है, और पिक्सल में 6 घंटे का और आईफोन में 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। सबवे सर्फर भी पहले लोड हुआ है आईफोन में। अब लास्ट में चालू करेंगे हंगरी शार्क एवोल्यूशन। पिक्सल 18W और आईफोन 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, और पिक्सल में 7.5W और आईफोन में 15W की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। ये गेम दोनों में एकदम सेम टाइम पर ओपन हुआ है, तो इसे टाई कंसिडर करेंगे। तो 5 में से 4 गेम्स आईफोन में पहले खुले हैं और लास्ट वाला टाई था, और एक बार गेम ओपन हो जाए उसके बाद आईफोन में गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर मिलती है। पिक्सल में सीवियर हीटिंग इशू के वजह से गेमिंग परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं मिलती। बाकी डेली यूज़ के ऐप्स में वैसे तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, कभी आईफोन में पहले ऐप खुलते हैं तो कभी पिक्सल में। अब कैमरा की बात करेंगे तो पिक्सल में ड्यूल कैमराज है, 64MP का मेन कैमरा और 13MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आईफोन में भी ड्यूल कैमराज है, 12MP का मेन कैमरा और 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। इसके भी डिटेल स्पेसिफिकेशंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों फोन्स बैक कैमरा से 4K 60fps वीडियो शूट कर सकते हैं। पिक्सल में फ्रंट कैमरा से 4K 30fps और आईफोन में 4K 60fps का ऑप्शन है। दोनों के बैक कैमरा में 240fps स्लोमो दिया गया है, बट आईफोन के फ्रंट कैमरा में भी 120fps का स्लोमो है। बाकी दोनों में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड है,
पिक्सल में कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन है जैसे फेस रीटचिंग, एस्ट्रो फोटोग्राफी, फोटोस्फीयर और गूगल लेंस, और आईफोन में है पोर्ट्रेट वीडियो, पोर्ट्रेट के लिए न्यू फिल्टर्स, लाइव फिल्टर्स और लाइव फोटो। तो चलिए कुछ कैमरा सैंपल देखते हैं। डे टाइम फोटोज़ दोनों में काफ़ी ज़बरदस्त आते हैं, दोनों में कलर्स अच्छे खासे वाइब्रेंट है, कलर टोन्स काफ़ी सिमिलर है दोनों का। कभी आईफोन हल्का ब्राइट और वाइब्रेंट होता है तो कभी पिक्सल, कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता, बस डिटेल्स पिक्सल में थोड़ी शार्प है ज़्यादा मेगापिक्सल की वजह से। दोनों में अल्ट्रावाइड लेंस भी दिया है सेम जगह से ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करने के लिए, और यहाँ HDR पिक्सल का काफ़ी बेटर है क्योंकि आईफोन ने सन को काफ़ी ओवर एक्सपोज कर दिया है। बट प्राइमरी कैमरा का HDR नॉर्मल सनलाइट हो या डायरेक्ट सनलाइट अच्छा काम करता है क्योंकि हाइलाइट्स और शेडोज के बीच दोनों ही अच्छा बैलेंस मेंटेन करते हैं, और यहाँ भी कभी पिक्सल बेटर है तो कभी आईफोन। पोर्ट्रेट्स में आईफोन की प्रेफर करूँगा क्योंकि स्किन टोन्स काफ़ी हद तक नेचुरल है जबकि पिक्सल ने स्किन को ज़्यादा ऑरेंजिश कर दिया है। बाकी एज डिटेक्शन और डिटेल्स आईफोन में थोड़ी बेटर है। इंडोर पोर्ट्रेट्स में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, बस क्रॉप कर में पिक्सल में थोड़ी नॉइज़ है और आईफोन ज़्यादा सॉफ्ट है। बाकी इंडोर शॉट्स में कभी पिक्सल बेटर होता है तो कभी आईफोन, तो ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। लो लाइट परफॉर्मेंस दोनों की काफ़ी अच्छी है, दोनों लाइट्स को अच्छे से कंट्रोल करते हैं, और यहाँ भी कुछ शॉट्स में पिक्सल बेटर है तो कुछ शॉट्स में आईफोन। आउटडोर सेल्फी में आईफोन थोड़ा सा बेटर है प्रॉपर स्किन टोन की वजह से, पिक्सल ने स्किन को ओवर सैचुरेट कर दिया है, बट पिक्सल का वाइडर फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा बेटर लगता है। इंडोर सेल्फी में भी आईफोन बेटर है नेचुरल कलर्स की वजह से, पिक्सल का कलर और डायनेमिक रेंज आईफोन जितना अच्छा नहीं है। यह है दोनों का वीडियो सैंपल 1080p 60fps पर। कलर्स आईफोन के थोड़े नेचुरल है, पिक्सल में थोड़े वार्म कलर टोन्स है और कॉन्ट्रास्ट भी कम है आईफोन से। स्टेबलाइजेशन दोनों का काफ़ी अच्छा और काफ़ी सिमिलर है। डायनेमिक रेंज पिक्सल में थोड़ी सी बेटर है, बट ये वीडियो शूट करते वक्त पिक्सल ने अचानक से रिकॉर्डिंग बंद कर दिया था और उस पर यह एरर आ गया कि फ़ोन काफ़ी ओवरहीट हो गया है जिसकी वजह से शूटिंग और दूसरे कैमरा फीचर्स वर्क नहीं करेंगे। कैमरा कूल करके मैंने 1080p 60fps पर सेल्फी वीडियो लिया दोनों से, और यहाँ मैं पिक्सल को प्रीफर करूँगा क्योंकि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के बीच प्रॉपर बैलेंस है जबकि आईफोन ने बैकग्राउंड को काफ़ी ब्लोन आउट कर दिया है। स्टेबलाइजेशन यहाँ भी दोनों का काफ़ी सिमिलर है। रात में आईफोन का वीडियो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल और स्मूथ है, पिक्सल ब्राइट तो है बट कॉन्ट्रास्ट में इशू है, डिटेल्स इतने शार्प नहीं है और कुछ वाइट एरियाज ओवर एक्सपोज हो रहे हैं। सिक्योरिटी की बात करके तो दोनों ही फोन्स में आपको फेस अनलॉक मिलता है, लेकिन जो आईफोन का फेस अनलॉक है वो 3D सेंसर पर काम करता है, इसलिए वो एक्चुअली सिक्योरिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसका जो फेस अनलॉक है वो काफ़ी बेकार है सिक्योरिटी के मामले में, लेकिन सिक्योरिटी के लिए इस पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो आईफोन की तरह ही काफ़ी फास्ट एंड सिक्योर है। तो पिक्सल 7 यहाँ पर थोड़ा सा बेटर है क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलता है। अब आता है डिस्प्ले पर। पिक्सल में 90Hz और आईफोन में 60Hz का डिस्प्ले है, फिर भी आप देख सकते हैं कि स्क्रोलिंग एंड स्वाइपिंग की स्मूथनेस आईफोन में थोड़ी बेटर लग रही है। अब चेक करते हैं डिस्प्ले की ब्राइटनेस और सैचुरेशन। पिक्सल ऊपर है और आईफोन नीचे, दोनों के डिस्प्ले के डिटेल स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिक्सल HDR और आईफोन डॉल्बी विजन एंड HDR 10 कंप्लायंट है। दोनों के डिस्प्ले अच्छे खासे ब्राइट और वाइब्रेंट है, बट पिक्सल थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेंट है यहाँ पर। बाकी व्यूइंग एंगल्स दोनों के काफ़ी सिमिलर है, डिस्प्ले टिल्ट करने पर भी कलर्स या ब्राइटनेस वॉश्ड आउट नहीं लगते। आउटडोर विजिबिलिटी आईफोन की मार्जिनली बेटर है, बट 12 बजे की धूप में दोनों के डिस्प्ले बस ठीक ठाक ही विजिबल रहते हैं। तो अब करते हैं दोनों के स्पीकर का साउंड चेक। दोनों ही फोन्स में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, एक नीचे और दूसरा ऊपर की तरफ। तो पहले चेक करेंगे पिक्सल का साउंड। अब चेक करते हैं आईफोन 13 का साउंड। तो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो पिक्सल का साउंड काफ़ी ज़्यादा लाउड है, क्रिस्प एंड क्लियर है एंड फुल वॉल्यूम पर भी डिस्टॉर्ट नहीं होता और हल्की सी बेस वाली फील भी आती है। आईफोन का साउंड भी काफ़ी अच्छा है, इसका भी साउंड डिस्टॉर्ट नहीं होता, लेकिन पिक्सल के सामने इसकी लाउडनेस थोड़ी कम लगती है। तो दोस्तों ये था मेरा इनडेप्थ कंपेरिजन वीडियो पिक्सल 7A और आईफोन 13 का। पिक्सल लुक्स, स्पीकर और वीडियो शूटिंग में बेटर है और आईफोन गेमिंग परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप में। डिस्प्ले और फोटोज़ में कोई क्लियर विनर नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें आईफोन में बेटर थी तो कुछ पिक्सल में। तो आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। हम जल्दी लौटेंगे ऐसे टेक एंड गैजेट वीडियोस के साथ। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।